अरे बाजार में तो आदमी ना आया है तो कैसे मैंने बिकेगा चाय? हाँ देखिए क्या कह रहे हैं, कौन पिएगा चाय? पीने वाला आदमी कोई? मैं तन्मय साहब और केटी साहब की लव स्टोरी आप लोगों का स्वागत है। और आज कौन सा वार है वो तो मुझे याद नहीं आ रहा है। फिलहाल गुड मॉर्निंग आप सभी को। और वीडियो बनाना नहीं चाहता था क्योंकि सुबह मैं 5:17 से निकला और अभी तक मैंने बस 20 रुपये कमाया, 4 चाय दिया 5 वाला, और अभी तक बड़ा पूरा चाय भरा हुआ है और फिलहाल भी यहाँ पर रखा हुआ है। और इस अंकल जी ने एक ऑफर दिया है, क्या है, चाय के साथ लोटस फूल फ्री है। तो इस अंकल जी ने मतलब जो भी चाय पियोगे, चाय का रेट है बस 10 रुपये ही, और चाय के साथ लोटस लेके जाओ और माँ का चरण पे बस मन्नत रख के आओ फिर से मैं चाय पीऊँ। कहाँ किचु बोलो, बांग्ला ही बोलो, तुम्हें चा बिक्री है ना, बोलो दाओ। अरे बाजार में तो आदमी ना आया है तो कैसे मैंने बिकेगा चाय? हाँ देखिए क्या कह रहे हैं, कौन पिएगा चाय? पीने वाला आदमी कोई ना आया है यहाँ? चाय पीने वाला आदमी कोई नहीं है। तो जो भी हुआ मैंने बंगाली में बोलने के लिए बोला था लेकिन हिंदी में बोला, बहुत अच्छा लगा सुन के, आप सभी को भी अच्छा लगेगा। और हम बहुत जल्द शॉर्ट फिल्म लेके आने वाले हैं और एल्बम भी लेके आने वाले हैं। तो मेरे चैनल में आप जितने भी सपोर्ट करते हो उनका भी चैनल खोल के देंगे, अभी तक चैनल का नाम मैंने सेलेक्ट नहीं किया और खोला नहीं, तो ओपन करेंगे, उनको भी सपोर्ट वैसे ही करना जो मैंने पहले आइसक्रीम वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था वही। और फिर से एक बार देख लो हमारा प्रतीक भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा इनका चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना। और इनका मैं आज आपको दोपहर नहीं, आज नहीं, कल मैं आपको दूंगा 2 शॉर्ट वीडियो आपको, वो भी देखना किस तरह से एक्टिंग करते हैं बंदा, बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी तरह से एक्टिंग करते हैं। लेकिन थोड़ा मतलब इसको एडिक्शन अगर ठीक ठाक से मिले तो ठीक तरीके से मतलब और भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे, लेकिन इसका एक्टिंग की वजह से ही मैंने बोला हाँ ठीक है भाई एल्बम और शॉर्ट फिल्म बनाना। और अभी देखिए पूरा एकदम खाली खाली है, शमशान वगैरह सारे, और यह है वामदेव का समाधि लाल जो है, और इधर जो बगल में जो है सफ़ेद कलर के, ये ताड़ा माँ का पाद पद्म है। और अभी देखते हैं क्या हो रहा है, के साथ बैठे हुए हैं और सुबह से अभी बोए मतलब बोनी बट्टा हो गया है, मैंने ये देखा है, अभी बंदा बैठा हुआ है चुपचाप से। और देखिए किस तरह से सेविंग बनाया, फेस एकदम फेस कट हो गया, ओए होए इधर से पूरा गैप है जो भी हो, और इधर से इतना तक है, इधर से इतना तक जो भी हो, लेकिन बंदा बहुत अच्छा है। और ये देखिए यही है वो जो समंदर का पानी सारा पी लेता है, समंदर का जितने भी पानी है सारा पी लेता है बंदा, ठीक है। और कैसे कैसे तुम पीते हो दही वगैरह? खाते हो कैसे एक बार दिखा देना, तो दही कैसे खाते हो वो भी आप लोगों को दिखा दे। मतलब भाई है, और ये भी मेरा भाई है, लेकिन हम दोनों का मतलब जो इनका बेटा है आप लोगों को पता ही है, सान है नाम, और मेरी बेटी तीसा, तो हम दोनों मतलब वैसे ही बोल रहा था क्या बचपन में ही, क्या इन दोनों का शादी करवा देंगे, तब से मैं इसको समझी बोल रहा था। और ये कल हमने दही खरीदा था, तो दही को लेके कैसे वो कर रहे थे, देखिए दही को ऐसे उंगली में रखा ऐसे करके चाट रहा था, तो ये कौन सा होता है भाई दही खाने का स्टाइल भाई, ये हमें लोगों को बता दो भाई पहले। भाई दही बहुत अच्छा लगता है। हम 1.5 से 2 घंटे बाद आ रहे हैं, और अभी मैंने 3 बस चाय दिया 10 वाला, और अभी बैठे हैं सब लोग, तो 2-3 चाय दे दिया, और इधर मेरी सारी बीवी है, और इस साइड पे जो अंकल जी देख रहे हैं और भैया, इन दोनों को ही चाय दिया आदमी इनका बेटा का, और हावड़ा इन लोगों का घर है, बहुत अच्छा लगा बातें करके, और आधा घंटे से बात ही कर रहे थे। भाई सेल करने के बाद फिर बाकी देखते हैं क्या हो रहा है। 8 बज रहे हैं और शाम को मैं जिस टाइम पे आया था वो आप लोगों को पता ही है, और अभी जाने का टाइम हो गया और चाय भी पूरा ख़त्म हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा 1-2 कप होगा सर, ज़्यादा रास्ते पे दे दूँगा। और लास्ट टाइम पे इन भैया ने मतलब मुझे चाय पिलाया फिर से एक बार, और ये दोनों भैया इन्होंने पैसे पे किया, लेकिन मतलब पैसा तो पहले इन्होंने ही दिया था 100 रुपये, लेकिन चेंज नहीं था इन्होंने दिया, और भैया भी मेरे लिए खड़े हैं अभी, घर भी जा नहीं पा रहे हैं, तो एक फ़ोटो ले लेता हूँ पहले।